तो दोस्तों ये मेहंदी घाट के उत्तर दिशा का जो तस्वीरें हैं आप लोग देख पा रहे हैं, उत्तर दिशा का ये घाट है। आप लोग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से गंगा नदी का कटान हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत पहले का, मतलब कुछ दिन पहले का ये लगा हुआ है। आगे आप लोग देख पा रहे हैं बैरिकेडिंग जो की गई है, वो एक बड़ी बड़ी बल्लियों का, जो लकड़ी की बल्ली होती है उसकी लकड़ियों का जो है बैरिकेडिंग लगाया गया है, वो इसके लिए लगाया गया है कि जो गंगा का कटान है वो काफी आगे तक ना जाए। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बैरिकेडिंग लगाया गया है उसके आगे भी कटान हो चुका है। कितना आगे आप देख सकते हैं, करीबन 20-25 फुट तक आगे भी उसका कटान हो चुका है, और आगे जाना हम ज्यादा सही नहीं समझेंगे। आप लोग तस्वीरें के माध्यम से हम यहीं से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना जो है कटान हो चुका है। वो रहा पुल जो कि गंगा नदी मेहंदी घाट का पुल कहा जाता है इसको, और कहाँ से बैरिकेडिंग स्टार्ट हुआ है, गंगा नदी ने जो आप अपना जो मोड़ लिया है वो उत्तर दिशा की ओर ले लिया है, और बराबर जो है कटान होती जा रही है, और ये कटान रोकने के लिए बैरिकेडिंग का भी प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो ये बैरिकेडिंग को भी क्रॉस करके गंगा नदी उसके 20 फुट आगे और भी बढ़ गई है। अभी बरसात का मौसम थोड़ा कम है, और बरसात जो है दिन पे दिन थोड़ी बढ़ती नजर आएगी जरूर, अगर कुछ ज़्यादा बरसात हो जाती है। हालांकि अगर हम बात करें 4-5 घंटे 8 घंटे अगर बारिश अगर हो जाती है क्षेत्र में, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो गंगा नदी का जो है पानी वो काफ़ी ज़्यादा जो है उफान में आ जाएगा। सुरक्षा का हमने बताया है कि इसको भी जितने भी भक्त लोग आए उस पर ध्यान दें कि जो आगे का बैरिकेडिंग ये लगाया गया है, ये जो है उत्तर दिशा का घाट है मेहंदी घाट का, तो यहाँ इस बैरिकेडिंग के आगे ना जाएं, वो उससे आपकी यही सेफ्टी होगी और आप सुरक्षित रहेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। तो जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कटान बढ़ता जा रहा है, और पता नहीं किस समय जो है ये फिसल भी सकता है, और कोई भी आगे जाएगा अगर क्रॉसिंग करके, क्योंकि सिक्योरिटी का जो है बराबर ध्यान दिया गया, आगे वाली भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। हम आप दिखाएंगे दूसरे घाट की तस्वीरें आपको और पुल के ऊपर से तस्वीरें, तो बने रहिएगा वीडियो में।